हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दोबारा से मेरे इस यूट्यूब चैनल राजू गेम वाला पर। ये पिछली बार जो मैंने आपको ये केस बताया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असेंबलिंग के बारे में बताऊंगा, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि जिसमें बटन और जॉयस्टिक और इनकोडर बोर्ड फिट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पिछले बार मैंने आपको सिर्फ बॉक्स के बारे में बताया था कि ये यूनिट और बॉक्स कैसा रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। आप चाहे तो वो वाला वीडियो पहला मेरा देख ले, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको जॉयस्टिक, बटन और इनकोडर बोर्ड कैसे फिट करते उसके बारे में जानकारी दूँगा। मैंने ऑलरेडी इसको फिट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर अगर मैं इसमें 16 बटन और 2 जॉयस्टिक फिट करने जाता हूँ, तो ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से इसको फिट कर दिया है, और एक आपको नॉलेज के लिए मैंने एक दो बटन छोड़ दिए जो आपको मैं अभी फिट करके बताऊँगा। देखिए, ये जो है 5-पिन जॉयस्टिक है, इसको 5-पिन जॉयस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये 5-पिन है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये 5-पिन है बराबर। और ये 8-वे जॉयस्टिक है इम्पोर्टेड, और ये सेनवा कॉपी बटन है। इसमें सोल्डरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने टर्मिनल लगाए नहीं अभी तक, ये 2 टर्मिनल है, इसमें मैंने वायरिंग नहीं की है। इसमें आपको सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कनेक्टर आते हैं, ये देखिए कनेक्टर, ये सिर्फ आपको इसमें फिट कर देना है इस तरीके से। देखा आपने कैसे फिटिंग करते हैं इसको, बस इसमें आपको इसको पुश कर देना है, बस ऐसा, बस इतना ही करना है। और ये रिंग टाइप बटन है, रिंग इन द सेंस, देखिए ये रिंग रहती है इसमें एक, ठीक है, ये ऐसी, ये आपको बस इसमें ऐसा फिट कर देने का रहता है, ऐसा गोल घुमा देना है तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। फिट करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक, एक्चुअली मैंने ये रिंग को उल्टा लगा दिया है, मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ, मैंने अभी इस रिंग को जो है सीधा कर लिया है। पहले ये जो 2 वायर है इसको इस बटन में आपको फिट करना होगा, ये वायर जो है टर्मिनल, ये दिख रहा है आपको, इसमें आपको इसको फिट कर देना होगा ऐसे। और उसके बाद ये जो रिंग है, ये ऊपर से ऐसा, ये आप लगा सकते हैं इस तरीके से, देखो पीछे से ऐसा पकड़ लीजिए और ऐसा रिंग को घुमा देना है, बहुत इजी है ये। इसको रिंग सेनवा बटन कहते हैं, ये ऐसा फिट हो जाता है, देखिए को ऐसा आप टाइट कर लीजिएगा। मैं आपको बस एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे ये करना है आपको, ठीक है। ये रिंग रहता है, ये ब्लैक रिंग दिखाता हूँ आपको, ये रिंग होता है और ये बटन है, इस पर 2 टर्मिनल है, और इस पर आपको आपको सिर्फ पुश करके फिट कर देना है, इस पर कोई भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 5-पिन वायर देख रहे हैं आप, जॉयस्टिक का ये 5-पिन वायर रहता है, ये आपको यहाँ फिट करना है। ये पिन दिख रहे, ये कनेक्टर जो है 5-पिन कनेक्टर, आपको इस पर फिट कर देना है इस तरीके से, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिट करा हुआ है प्लेयर 1 पे इस तरीके से, अभी मैं आपको यहाँ फिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फिट इस तरीके से रख के आपको प्रेस कर देना है, ये हो गया, ठीक है, ये 5-पिन हो गया। और ये इसका इनकोडर बोर्ड है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है। आप, मैंने 2 इनकोडर अलग अलग बोर्ड लगाए,
प्लेयर वन पे, ये प्लेयर वन का सेक्शन है ठीक है, और ये प्लेयर टू का सेक्शन है। तो मैंने दो अलग अलग इनकोडर बोर्ड लगाए। इसमें ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वाला, ये यूएसबी वायर है। यहाँ पे देखिए ये वाला दो है इस तरीके से, ये दो वायर है, दो यूएसबी है, दो इनकोडर बोर्ड के दो यूएसबी केबल यहाँ से मैंने निकाला है ठीक है। और बाकी का जो ये 5 पिन का जैक है, ये 5 पिन कनेक्शन आपको मैंने जैसे बताया जॉयस्टिक पे जा रहा है। और बाकी का ये जो देख रहे आप, जितने भी ये जो सेक्शन है, ये सब बटन पे जा रहे हैं। आप कोई भी बटन ABCDEF कहीं पे भी जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में मैपिंग करना होता है कंप्यूटर पे अपने। ये एक्चुअली ये जो मैंने सेटअप आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 प्लेयर PC जॉयस्टिक का सेटअप है पूरा। मैंने 2 प्लेयर का बनाया है क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स के कि आप 2 प्लेयर का भी असेंबलिंग करके बताओ, 2 प्लेयर कैसा बनता है। ज़्यादातर सब लोग 1 प्लेयर का ही बनाते हैं, तो मैंने 2 प्लेयर का बनाया है ताकि लोगों को पता चले 2 प्लेयर में भी 2 लोग कैसा खेल सकते हैं। फाइटिंग गेम्स जो होती है वो 2 प्लेयर के लिए रहती है, तो इसके लिए मैंने 2 प्लेयर का बनाया। इसमें 2 जॉयस्टिक और 16 बटन्स है और 2 इनकोडर बोर्ड है ठीक है। इसमें बता देता हूँ, ये जो येल्लो बटन है ये स्टार्ट और कॉइन क्रेडिट है। उसी तरह इधर पे भी स्टार्ट 2 प्लेयर का स्टार्ट कॉइन क्रेडिट, और ये ABCDEF जैसा भी आप चाहे मैपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर से भी, वायरिंग आप कहीं से भी कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि लाइन से ही रहे। लेकिन मैंने सीरीज़ में लगाया है, ये A है, ये B है, CDEF, और उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही कनेक्शन है ABCDEF, और ये दो एक गैप छोड़ के स्टार्ट और कॉइन क्रेडिट, और ये 5 पिन जॉयस्टिक का जैक है, और ये USB जैक है। बाकी आपको छोड़ देना है, उसका आपका कोई काम नहीं है। जितने बटन की हमें ज़रूरत है उतने सभी बटन यहाँ पे फिट है। ये 2 जॉयस्टिक है, ये पूरा यूनिट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था Part 1 में यूनिट के बारे में, और इस बार असेंबलिंग के बारे में बता रहा हूँ। आप है ना, ये 2 इनकोडर बोर्ड के बदले एक सिंगल इनकोडर बोर्ड भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही बोर्ड में से 2 कनेक्शन जाते हैं। वो बोर्ड अभी मेरे पास है ही नहीं, इसके लिए मैंने आपको डबल इनकोडर बोर्ड में बना के दिखाया है। ये बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा टेक्निकल माइंड होना चाहिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसकी वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सब रेडीमेड है, कोई भी सोल्डरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी पार्ट्स है ये इंडिया में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से मंगवाया है, मैं किसी से मंगाता हूँ ये सब पार्ट्स, और ये चीज़ें मैं यहाँ बनाता हूँ। और मैं ज़्यादातर चीज़ों का जो भी, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जॉयस्टिक के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन। और मेरा ये लोकेशन मुंबई में है, तो मुंबई के जो भी गेम लवर्स हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को जॉयस्टिक चाहिए, आपको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपके पास पार्ट्स नहीं है, लेकिन आपको शौक़ है ये खेलने का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको बना के ये दे सकता हूँ। सिंगल प्लेयर का भी है मेरे पास, डबल प्लेयर का है, रेडीमेड प्लग एंड प्ले TV पे डायरेक्ट, पेंडोरा बॉक्स 1500 गेम का भी पूरा मेरे पास सेटअप है ठीक है। और मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेड है। ये 5 पिन जॉयस्टिक और सेनवा बटन्स मैं यूज़ करता हूँ, और ये इनकोडर बोर्ड यूज़ करता हूँ, ना कि जॉयस्टिक को खोल के सोल्डरिंग करता हूँ। वो सब जो रहता है उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा खेलने का। वो सस्ते में तो आपको मिल जाएगा दिल्ली वगैरह में, लेकिन उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको। वो जॉयस्टिक से आप मारियो और पैकमैन गेम खेल सकते हैं, दूसरी आर्केड गेम्स, किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, समुरा शोडाउन, आर्ट ऑफ फाइटिंग, वर्ल्ड हीरोज़, मेटल स्लग, ये सब गेम खेलने का आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इस ये वीडियो जो मेरा इसी के ऊपर था कि आप असेंबलिंग कैसा कर सकते हैं 2 प्लेयर जॉयस्टिक, और इसी बॉक्स में आप चाहे तो पेंडोरा बॉक्स को भी फिट कर सकते हैं। आगे की दूसरी वीडियो में मैं आपको पेंडोरा बॉक्स भी फिट करके यही केस में बताऊँगा, और वो डायरेक्ट आपके रेडीमेड TV पे लग जाता है, और उसमें 1500 गेम है, जितने भी आर्केड की जितनी भी ब्लॉकबस्टर्स गेम्स है आज तक की सब उसमें इनबिल्ट है। तो
बस मेरा वीडियो बस इसी पे था कि असेंबलिंग कैसा करना है। इसमें आप देख रहे हैं रेड जॉयस्टिक है, पिंक बटन है, येलो स्टार्ट और क्रेडिट, प्लेयर वन और प्लेयर टू। ये बहुत अच्छा है और आप इसका लुक भी देख रहे हैं कितना बेस्ट है। इसमें दो USB वायर है, ये आपको PC पे कनेक्ट कर देना है और ये आपका गेम शुरू हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा इसी जॉयस्टिक, टू प्लेयर जॉयस्टिक के थ्रू, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का था उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा तो ऑल ओवर इंडियन जितने भी हैं मेरे गेम लवर्स वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर कोशिश करूंगा कि मैं पूरी सबकी हेल्प करूं। और आपको लगता है कि आप ये नहीं बना सकते, आपको रेडीमेड चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए आपकी डिमांड पे आपको बना के भी दे दूंगा ये, और आपको डायरेक्ट होम डिलीवरी कर दूंगा बहुत ही चीप रेट में। इंडिया में ऐसा वीडियो बनाने वाला फ़िलहाल तो अभी मुझे कोई दिखा नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये शुरुआत की हिंदी में वीडियो बनाने की आर्केड गेम लवर्स के लिए। जो भी गेम के चाहने वाले पुराने वो मेरे इस वीडियो को देखिए,